नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु और आप देख रहे हैं परिहार सॉफ्ट। तो यहां पे आज मैं आपको NIOS की तरफ से जो आपकी मार्कशीट मिलती हैं, तो मार्कशीट किस तरह से होती हैं, मीन्स किस तरह से वो दिखती हैं और आपको उन मार्कशीट के साथ आपको क्या क्या मिलता है। यहां पे मैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर यदि आप NIOS से 10th और 12th एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ आपको किस तरह से मार्कशीट मिलेंगी, किस तरह से वो मार्कशीट दिखती हैं, ये आपको पहला मैं वीडियो है। आपको पूरे यूट्यूब में इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा जो जिन्होंने अभी तक आपको लाइव मार्कशीट दिखाई है। तो यहाँ पे मैं आपको मार्कशीट दिखाने जा रहा हूँ और वहाँ पे कैसी है मार्कशीट और आप कहाँ से, यदि आपने पास कर लिया है, आपका एग्जामिनेशन हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, तो आप कहाँ से अपनी मार्कशीट प्राप्त करें। यदि आप स्टडी सेंटर में मार्कशीट नहीं मिल रही हैं तो आपको कहाँ जाना होगा और उनका एड्रेस कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मार्कशीट दिखा रहा हूँ। तो मार्कशीट के लिए यहाँ पे मैं जैसे ही अपने यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो मार्कशीट है, तो मार्कशीट के साथ यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। पहला तो एक आपका जो मार्कशीट होगा, दूसरा आपको मिलेगा अस्थाई प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और तीसरा आपको जो मिलेगा इसके साथ वो है माइग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, जो आपको मैं मार्कशीट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो कुछ इस तरह से आपको मार्कशीट मिलती है। एक बहुत ही अच्छे पेपर में मिलता है, जो आप पेपर मीन्स अच्छा पेपर करता है ये NIOS के, आपको जो CBSE में पेपर मिलते हैं, मीन्स मार्कशीट की क्वालिटी अलग है इसमें। मीन्स क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी की मार्कशीट यहाँ पर आपको मिल रही है। और इस मार्कशीट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नाम है, आपके माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक यदि कोई हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपने जो जो सब्जेक्ट लिया था उन सब्जेक्ट का यहाँ पे है, जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स और क्या क्या। नीचे आपका एड्रेस होगा, जो आपके एड्रेस में एडमिट कार्ड में एड्रेस था। उसके बाद इस मार्कशीट के पीछे कुछ ऐसे टिप्पणियाँ लिखी हैं जो NIOS के बारे में हैं, तो उन्हें भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये टिप्पणी है आपके पास को लेके हैं, और बाकी है Stream 2 और Stream 3, ये सभी बातें हैं यहाँ पर, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी साथ में इसके, और माइग्रेशन के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा अस्थाई प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे अस्थाई प्रमाण पत्र में आपको यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दिए हैं कि आपने NIOS में इन सब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे आपने पास किया है, तो ये सभी बातें यहाँ पे आपको इस मार्कशीट में मिल जाएंगी। तो आपको कहाँ से आप अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको अपनी मार्कशीट प्राप्त करने के लिए आप रीजनल सेंटर में आपको विजिट करना होगा। यदि आप स्टडी सेंटर में विजिट कर रहे हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर से पहले बात कर लें। स्टडी सेंटर में मार्कशीट, सभी स्टडी सेंटर में मार्कशीट पहुँचा दी गई हैं। ऐसे कुछ स्टडी सेंटर हैं किसी कारणवश वहाँ पर मार्कशीट नहीं पहुँच पाई हैं, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मार्कशीट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कॉलेज में हो या स्कूल में हो, जहाँ कहीं भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर मार्कशीट शो करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे उस टाइम पे आपको मार्कशीट ज़रूरी है। तो यदि बहुत ही अर्जेंट है तो आप NIOS के जो रीजनल सेंटर हैं वहाँ जाके मार्कशीट आप वहाँ से आप मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कैसे रीजनल सेंटर मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप नीचे यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको है स्टडी सेंटर AI AVI OBE कॉर्नर, तो यहाँ इसके थ्रू यहाँ पे आप विजिट करके आप अपना स्टडी सेंटर देख सकते हैं। स्टडी सेंटर देखने के बाद यहाँ पे आपको अपने रीजनल सेंटर का भी यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी और सभी यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप विजिट करके अपना इस डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ पे आपको विजिट करना है, क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस में भी यदि आप विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको रीजनल सेंटर, रीजनल ऑफिस, स्टडी ऑफिस, हेडक्वार्टर्स, लर्नर सपोर्ट सेंटर, रीजनल सेंटर स्टेट वाइज, तो यहाँ पर सभी यहाँ पर आपको डिटेल मिल जा रही है। रीजनल सेंटर वेबसाइट, तो यहाँ पे सब डिटेल आप प्राप्त करके आप अपनी मार्कशीट ले सकते हैं। मार्कशीट लेने के लिए आपको या कि आप अपने स्टडी सेंटर पे बात करें, और स्टडी सेंटर पे बात नहीं हो रहा है, यदि स्टडी सेंटर में किसी कारणवश मार्कशीट नहीं आई है, तो आप रीजनल सेंटर में विजिट करें या कि हेडक्वार्टर्स में विजिट करें, वहाँ आपको मार्कशीट मिल जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, देखते रहिए परिहार सॉफ्ट।